चतुर्मास की शुरुआत है। चतुर्मास हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है। ऋषि मुनियों की सदा से प्रतिष्ठा रही है, इसलिए कि त्याग तपस्या और संयम की साधना भी करते हैं और समाज को भी त्याग तपस्या और संयम के लिए प्रेरणा देते हैं। जितना संयम होगा, स्वयं अनुशासन होगा, अपने आप पर अनुशासन होगा, हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहेगी तो परिवार अच्छे रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा और राष्ट्र के लिए भी हम एक अच्छे इंसानों को तैयार कर सकेंगे। तो हम चातुर्मास काल में विशेष त्याग की चेतना जागे, अनुशासन की चेतना जागे, अनुशासन की चेतना जागे और तपस्या करें, सहिष्णुता का विकास हो, ये चीज़ें होती हैं। तो धर्म जीवन के आकाश का इंद्रधनुष है, मेघ धनुष है। जब जीवन में यह धर्म आता है तो हमारे जीवन की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। धर्म सब चीज़ों में मूल है। धर्म शून्य हम संस्कृति, समाज या राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ही मनुष्यता और मानवता के आधार पर जीवन जीना सिखाता है। साधु जी, देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से भारत देश की संस्कृति और क्या नाम है सभ्यता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। धज्जियाँ इसीलिए उड़ाई जा रही है कि हम उस रूप का यह प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे हैं। आज हमारा दृष्टिकोण अर्थ प्रधान हो गया है, भोग प्रधान हो गया है। इतनी भोग की संस्कृति बढ़ेगी तो साथ त्याग की संस्कृति दबेगी। आज जरूरत है अच्छे इंसान, वो अहिंसा, शांति और सद्भावना का जितना विकास होगा, अच्छे इंसान बनेंगे, सज्जन व्यक्ति पैदा होंगे, और नहीं तो नशा की संस्कृति क्रूरता पैदा करती है, अपराधों को जन्म देती है। आज सारे ये तत्व जो आतंकवाद, जो विभिन्न प्रकार के माफिया, गैंग आदि बढ़ रहे हैं, वो अध्यात्म को भूलने से, संयम को भूलने से ही हो रहा है। तो आज साधु संतों का भी दायित्व तो है, समाज का जो नेतृत्व वर्ग है, समाज का संचालक तत्व है, उसके लिए भी जरूरी है हमारी जीवन शैली स्वस्थ बने। और हम जीवन मूल्य हैं, अहिंसा, संयम, प्रेम, भाईचारा, इनको मूल्य दें, इसके आधार पर अपनी संस्कृति की सेवा करेंगे। मुनीर जी का आगमन हुआ है यहाँ पर, चतुर्मास प्रवेश की इस पावन अवसर पर सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और श्री भगवान श्री महावीर जी के जो उपदेश हैं, उनकी जो फिलॉसफी हैं, 2500 साल पुराने होने का बावजूद भी आज के इस माहौल में जहाँ जहरीली नफरत फैलाए जा रहे हैं, लोगों पर भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो ये उपदेश जो हैं और ये भारतीय संस्कृति की मूल मंत्र हैं, जड़ हैं, कि सब साथ मिलकर रहे, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, अहिंसा के साथ, तो यही जो मंत्र हैं, यही जो उपदेश हैं, इसी को दिल में लेते हुए जा रहे हैं और सभी को बताना चाहते हैं कि हमें प्रेम का साथ रहना चाहिए, भेदभाव ना करें, भाईचारा का साथ रहना चाहिए। मैम, देखने में आ रहा है देश को तोड़ने की, जोड़ने की बजाय तोड़ने की राजनीति जो चल रही है, ये तो मुनिश्री के प्रवचनों की वजह से देश बचा हुआ है, अन्यथा देखिए जिस तरह से आजकल आप ये देखिए, एक मोबाइल फोन जी, जी। जो कि लोगों का साथ संपर्क स्थापन करने की एक मीन्स है, जी, जी। एक माध्यम है, लेकिन ये इसी को एक बॉम्ब बनाकर फॉल्स रूमर्स के माध्यम से लोगों को पीट पीट के लिंच करके मारा जा रहा है। तो ये देश आज जो स्थिति में है, जिस तरह से लोगों को अंदर नफरत इंजेक्ट किए जा रहे हैं, तो उसको हम विरोध करते हैं। और कल संसद में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सरकार को बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज करने का स्पीच देने का बाद खुद जाकर प्रधानमंत्री जी से गले मिले जी। तो ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस की फिलॉसफी और हिंदुस्तान की फिलॉसफी, हिंदुस्तान की संस्कृति एक है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई पर्सनल किसी का अगेंस्ट नफरत नहीं है। और कल राहुल गांधी जी ने जो काम करके दिखाया, वो वही
हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसकी जड़ है। विपिन भाई, क्या शुभकामना, क्या संदेश देना? मैं चतुर्मास पे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और इस तरह से हमारे देश के अंदर धर्म का प्रचार होता रहे और लोगों में सद्भावनाएं, प्यार बढ़े और लोगों में सुख शांति रहे। चाहेंगे आज से चतुर्मास का आगमन ऐसा कि हम सब, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमें ऐसे विरासत में मिला है कि हम जैन धर्म के सब अनुयायी हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच विदुषी साध्वी श्री कनक सिंह जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आज 62 वर्षों से अनवरत लोगों का कल्याण कर रहे हैं, विश्व, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। हम ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ऐसे साधु संत अगर हमारे बीच में उपस्थित है तभी यह संसार बचा रहने लायक है, हमारे रहने लायक है, क्योंकि हमें प्रेरणा वहीं से मिलती है और हम बहुत सी बुराइयों से हम मतलब बच पाते हैं। ऐसी बात है, कहा जा सकता है कि इन्हीं पुण्य आत्माओं के चक्कर में हमारा देश बचा हुआ है। इन्हीं कुछ पुण्य आत्माओं के कारण, उनकी प्रेरणा के से ही हमारा ये देश बचा हुआ है और ये देश और ये जगह रहने लायक बची हुई है। चतुर्मास काल जो है वो 12 महीने में ये 4 महीने साधना की दृष्टि से जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो सनातन परंपरा में हो चाहे जैन परंपरा में हो। ये 4 महीने जो वर्षा काल का समय होता है उसके अंदर जो साधु संत है वो एक जगह बैठ करके वो 4 महीने अपने आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं और जनता को ऐसे उपदेश देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जिनसे उनका आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा प्रशस्त हो, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो और मोक्ष के और ज़्यादा निकट जा सके। वो इस प्रकार का ये वर्षावास का जो समय होता है वो धर्माराधना का समय, विशेष रूप से साधना के लिए एक सर्वोत्तम समय माना गया है। जैन साहब देखने में आ रहा है अर्थ और भूख के चक्कर में इस देश का सत्यानाश। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ जरूरी है लेकिन भोग का भी एक वो है, नियम है अपना, भोग के पीछे बर्बाद होने का कोई वो तुक नहीं बनता और अर्थ के बिना तो सब व्यर्थ है। चाहे महाराज जी, बहुत तेजी से परिवर्तन आया है भारत के अंदर। परिवर्तन यहाँ तो हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, धर्म के मोड़ पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ धर्म के साथ खड़ा हूँ। राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो देश में जो परिवर्तन आया है। किस बात का परिवर्तन? जिस तरीके से बुराइयाँ, तो बुराइयाँ बहुत बड़ी है और सबसे ज़्यादा इस टाइम सद्भावना का जो एक माहौल खिलाप हो रहा है वो बहुत चिंतनीय विषय है। और आज हमारी जो रैली निकली थी, सद्भावना रैली निकली थी, उसमें हम यही कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, सब समाज मिलके चले, सब में आपस में सामंजस्य हो, कोई किसी का वैर विरोध ना हो, यही हमारे गुरु ने सिखाया, ये हमारा धर्म का सार है और यही हम कहना चाहेंगे। ठीक है, अब सरकारें जो बैठी अपने अपने स्वार्थ से जो भी करे। मैम, क्या शुभकामना जी? आज हमारे लिए ये बहुत शुभ का दिन है कि 4 माह का चतुर्मास जैन महान साध्वी श्री जी कनक श्री जी का यहाँ ओसवाल समाज शादरा में प्रारंभ हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है। ये इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ साध्वी श्री जी के चरण पड़ते हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या का, वहाँ पे ज्ञान दर्शन चरित्र और में युवा शक्ति अपनी ताकत लगाती है, महिलाएं अपनी ताकत लगाती है और जैन नहीं, जैनेतर वर्ग में भी बहुत जागृति इस तरह से आती है कि वो अपने आत्म कल्याण के साथ समाज कल्याण, देश कल्याण और विश्व कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ता है। तो आज इस चतुर्मास के उपलक्ष्य में भी हमारी अनुव्रत समिति परिवार की ओर से यही शुभकामनाएँ हैं कि इस चतुर्मास में जो पिछले कीर्तिमान थे उससे ज़्यादा नया इतिहास खड़ा हो, युवा शक्ति अधिक से अधिक अपना कल्याण करे। अभी साध्वी श्री जी ने फरमाया कि आप जहाँ खड़े हो उससे अगली क्लास में जाओ, ये हमारा मिशन होना चाहिए। जैसे बच्चा 10th से 11th में जाए उसी तरह से हम सारी जनता, आम जनता आज जिस जगह खड़े हैं, चाहे हमारी सामाजिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, भौतिक समृद्धि है, सब में उससे आगे बढ़ें। इस तरह का हम यहाँ पर आध्यात्मिक कैंप जो 4 महीने का लगेगा, यहाँ ऐसी एनर्जी हम पाएं, सबका कल्याण हो, यही चतुर्मास का लाभ हम सबको मिलेगा।